तो शादी करनी है, अब शादी कहीं करवा दूं आपकी? नहीं, शादी नहीं मैं कर सकती, मुझे मर्दों से डर लगता है। मर्दों से डर लगता है? क्यों, डर क्यों लगता है? वैसे मुझे अब मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मर्द बेवफा हो जाते हैं, एक को छोड़ के उसे सड़कों पे लाते हैं, और उस वक्त मर्दों को शर्म नहीं आती। माजिद हुसैन हैदरी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद हुसैन हैदरी। जी नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बाहर मौजूद हूँ, और हमारे साथ एक बहन मौजूद है। ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर बैठी हुई हैं अकेली तन्हा, क्या मसला मसाइल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? गुड़िया। गुड़िया, कितने दिनों से यहाँ पर बैठी हैं? मुझे एक माह हो गया। एक माह हो गया, शादीशुदा हैं आप? जी। कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं। आपका मियाँ कहाँ है? वो अपने घर में है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप फोत हो गए हैं। माँ बाप फोत हो गए हैं, तो आप घर क्यों नहीं जाती? हमारा कोई घर नहीं है, आसरा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा। इसलिए मजबूरन हमें करने है। मेरी दूसरी शादी भी है, उसने भी मान मीट के मेरे दूसरे मियाँ ने भी मुझे छोड़ दिया, इसलिए मेरा कोई सहारा नहीं बनता है, इसलिए मैं दाता के दरबार पर आई। अच्छा, यहाँ पर आप फुटपाथ पे सोती हैं, कितने लड़कों ने गलत हरकत की है अब तक आपके साथ? किसी ने भी नहीं। जब अंधेरे में सोई होती हैं? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। खाती पीती कहाँ से हैं? लंगर खाती हैं। तो अब घर जाना है? जी, मेरा घर तो कोई नहीं, अगर मेरा घर हो तो मैं अपने घर चली जाऊँ। मेरे माँ बाप नहीं है, बहन भाई कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो मैं किसके आसरे पे जाऊँ? चार बच्चे हैं आपके, तो आप पूरी ज़िंदगी यहाँ बैठी रहेंगी? तो चार बच्चे हैं मेरे हस्बैंड ने मेरे माँ बाप के वक़्त की मुझे तलाक दे दी, जब मेरे माँ बाप मुझे मौजूद थे। मेरे हस्बैंड मुझे रखते नहीं हैं, मैं उनके पास भी गई थी, उन्होंने मुझे नहीं घर रखा, तो मैंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मजबूरी की हालत में बैठी हूँ, आगे से मैं बीमार हूँ मुझसे, और गलत काम तो अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं हुआ। आप मेहरबानी करें, लिहाजा मुझे डिस्टर्ब ना करें, यह पाकिस्तान सबका ही है। अच्छा, तो शादी करनी है, अब शादी कहीं करवा दूं आपकी? नहीं, शादी नहीं मैं कर सकती, मुझे मर्दों से डर लगता है। मर्दों से डर लगता है? क्यों, डर क्यों लगता है? वैसे मुझे अब मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मर्द बेवफा हो जाते हैं, एक को छोड़ के उसे सड़कों पे लाते हैं, और उस वक्त मर्दों को शर्म नहीं आती। मर्द एक जैसे नहीं होते, हम भी मर्द हैं, हमने तो कभी ऐसे नहीं किया। आपकी बात और है, उनकी बात और है, आप हमारे माशरे से नहीं हैं। हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के वक़्त से सबको जानते हैं कैसा पाकिस्तान का माहौल है, हमें सब पता है। अब लिहाजा आप हमें डिस्टर्ब मत करें। अच्छा, ये ठीक नहीं है, इसलिए लिहाजा आपसे माफ़ी चाहती हूँ। चले, ठीक है ठीक है। ये देखें नाज़रीन, हम दाता गंज बख्श अली हजवेरी दरबार के बाहर बैठे हैं फुटपाथ पे। तो यहाँ पे इस बहन जैसी बहुत सी बहनें, माएँ, बेटियाँ बैठी हुई हैं, जो इस वक्त बेबस हैं, बेसहारा हैं, घरों से भाग के आई हैं, किसी को तलाक हुई है, कुछ जिस्म फरोशी करती हैं। नाज़रीन, ये हमारे माशरे का आलमिया है। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इधर भी नज़रसानी की जाए, हमारे पुलिस के मुहाफ़िज़ीन भी खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। नाज़रीन, इनका कोई भी नहीं है। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।